हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ मैं अनुराधा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू मिस में। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग जो है शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो शेषफल प्रमेय में किस तरीके से शेषफल ज्ञात किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया है और वहाँ पर अगर हमें शेषफल निकालना है तो किस तरीके से हमको निकालना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो शेषफल प्रमेय में ही कुछ ऐसे और भी टॉपिक है जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं। तो वो कौन सा टॉपिक है और जो भी डाउट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय का ही कुछ पार्ट बचा हुआ है जो कि हम लोग आज क्लियर करेंगे। यानी कि शेषफल प्रमेय। तो फ्रेंड्स, शेषफल प्रमेय हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और बहुत ही इजी तरीके से इसे हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो क्लासेस है इसे जो है हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है 35/15। अब हमें इसका निकालना है शेषफल, यानी कि 35 में 15 से भाग देना है और हमें ज्ञात करना है कि इसका शेषफल क्या आएगा। तो क्या आएगा निकालिए आप लोग, 35/15 इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 15 का 35 में भाग देंगे तो 15 × 30 दो बार जाएगा, यानी कि 5 रिमाइंडर यहाँ पर हमारा बचेगा। इसको और भी इजी तरीके से कैसे निकालते हैं ये बहुत ही डीपली हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 35/15 का हम लोग शेषफल निकालेंगे तो हमारे सामने इसका रिजल्ट आएगा 5। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 35/15 को सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि 35/15 देखेंगे कि किस संख्या से कट रहा है उस संख्या से काट देंगे, यानी कि इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आज का रूल हमारा यही है, सिंप्लीफाई करके किस तरीके से हम लोग शेषफल निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 35/15। अब देखिए कि ये किस संख्या से कट रहा है, तो 35/15 जो है हमारा 5 से कट जाएगा। 5 × 7 = 35 और 5 × 15 यानी कि ये हो जाएगा 7/3। अब ये हमारी बड़ी संख्या थी और इसे हम लोगों ने काट करके छोटा बना दिया, यानी कि 7/3। अब यहाँ से इसका रिमाइंडर निकालिए, इसका शेषफल निकालिए तो क्या आएगा, तो दो बार भाग जाएगी और रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1। अब देखिए संख्या वही है हमारी, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कुछ और आ रहा है और यहाँ पर रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर सही कौन सा है, ये सही है कि ये सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। कोई भी संख्या दी गई है और अगर वो कट रही है, सिंप्लीफाई हो रही है, तो इस तरीके से जो है उसे काट देंगे, छोटी संख्या बना देंगे और इस तरीके से उसका शेषफल ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल गलत है और ये जो हमारा आंसर आया है ये सही है। लेकिन सिंप्लीफाई करके भी हम किसी भी संख्या का रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं, उसका शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे तो आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारे सामने दिया है 35/15 और इसे हम लोगों ने डिवाइड किया, 7/3 आ गया और इसका रिमाइंडर हम लोगों ने 1 निकाला। अब इसके आगे कुछ और प्रोसेस करना है, यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है। इसका रिजल्ट लाने के लिए इसके आगे का प्रोसेस जो है वो ये है कि जिस संख्या से सिंप्लीफाई होगा, यानी कि ये संख्या जिस संख्या से कटी है वही संख्या इस संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि हमने इसे काटा किससे, 5 से, अब वो 5 जो है हमारा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर लाने के लिए 5 × 1 और ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, इस तरीके से निकाल रहे हैं तो ये 5 है और ये आप जानते हैं कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 हमारा आंसर आ गया है। कुछ और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है जैसे 14/12।
मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है 14/12, इसका हमें क्या निकालना है, शेषफल। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए 14/12, अब देखिए कि ये किस संख्या से सिंप्लीफाई हो रही है, किस संख्या से कट रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से ये संख्या कट जाएगी, 2 7 14 और 2 6 12। अब ये संख्या हमारी आ जाती है 7/6। अब 7/6 का रिमाइंडर हम लोग निकालेंगे, तो 7/6 का रिमाइंडर अगर हम निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए कि किस संख्या से जो है हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, तो देखिए यहाँ पर हम इसे 2 से काटे हैं, तो इस 2 का इस 1 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 × 1, अब ये आ जाएगा हमारा 2, और यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। उस तरीके से भी अगर आप देखें तो देखिए 14 में 12 से अगर हम भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 2 हमारा शेषफल बचेगा, तो इस तरीके से भी 2 आएगा, और वैसे भी निकालेंगे तो भी हमारा 2 ही आंसर आएगा। अब उसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं ताकि जो भी डाउट्स है हमारा क्लियर हो जाए। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब 625/50, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है 625/50। अब देखिए ये किस संख्या से कटेगी, तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 25 से ये संख्या कट जाएगी, यानी कि 25 25 से ही हम 625 और 25 दुना के 50, यानी कि अब ये आ जाता है हमारा 25/2। अब देखिए 25/2 आ गया, अब ये संख्या छोटी हो गई, अब यहाँ से इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमने इसे किस संख्या से काटा है, तो इसे हम लोगों ने 25 से काटा है, 25 से सिंप्लीफाई किया है, तो आंसर जो होगा हमारा वो ये होगा 25 × 1, और ये हो जाएगा हमारा 25। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस भी संख्या से हम सिंप्लीफाई करेंगे उसी संख्या से जो है हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करेंगे जो संख्या छोटी करके हम लोग शेषफल निकाल रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, मान लीजिए इस संख्या को हमने 25 से काटा, जो सिंप्लीफाई हमने किया वो 25 से किया, ओके। अब यहाँ पर आगे हमारा जो छोटी संख्या है 25/2, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो आएगा 1। अब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कैसे आएगा, यानी कि अभी जो हमारा ये 1 रिमाइंडर आया है, ये आया है इस संख्या का, यानी कि 25/2 का आया है, न कि 625/50 का आया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यही आंसर हो जाएगा, चाहे इसका निकालें चाहे इसका निकालें, संख्या तो यही थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो आता है हमारा इस संख्या का रिमाइंडर आया है और निकालना हमें इस संख्या का है, ठीक है। तो अब यहाँ जिस संख्या से हम काटे रहेंगे, जिस संख्या से सिंप्लीफाई किए रहेंगे, उसी संख्या का जो है हम इस वाले शेषफल में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा वो हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे 20/12, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 20/12 और इसका निकालना है हमें शेषफल, कैसे आएगा। तो जैसे मान लीजिए जो हम लोगों ने पुराना प्रोसेस पढ़ा था रिमाइंडर निकालने के लिए, अभी तो हमने डायरेक्ट किया था। अब यहाँ पर हमने बताया था कि 2 रिमाइंडर आता है, एक पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है। तो मान लीजिए कि 20 में 12 से अगर हम भाग देंगे तो इसका हमारा 2 रिमाइंडर आ जाएगा, एक आ जाएगा +8 और दूसरा आ जाएगा हमारा यहाँ से -4, यानी कि 2 रिमाइंडर हमारे पास आया, 2 शेषफल +8 और -4, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये कैसे आएगा, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली है तो प्लीज आप जो है पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा है कि ये जो है हमारा किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 रिमाइंडर आया पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम यहाँ पर निगेटिव को लेके आपको बताएंगे, पॉजिटिव तो अभी हम लोगों ने देखा डायरेक्ट अभी निकाल रहे थे, पॉजिटिव से ही निकाल रहे थे। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना है निगेटिव संख्या को लेकर के शेषफल, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमें निकालना है, अब इसका रिमाइंडर हम लोग निगेटिव संख्या से लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर -4 दिया है, तो जब निगेटिव संख्या को लेके चलते हैं, संख्या माइनस में होती है, तो जो माइनस में रिमाइंडर होता है वो यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है उसमें से घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो 12 है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 12 - 4, और ये जो आएगा हमारा 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो
अब यहाँ पर हमें ये चीज नहीं सीखनी है, ये तो हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया है। हमें निकालना है सिंप्लीफाई करके। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 20/12। अब 20/12 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि इसे हम काटेंगे तो क्या आएगा, 4 से काटते हैं, 4 5 20 और 4 3 12, ये आ जाता है हमारा 5/3। अब 5/3 आया, अब इसका जो है हमारा दो रिमाइंडर आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव कौन कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा प्लस में +2 और निगेटिव में आ जाएगा -1। +2 और -1 ये दो रिमाइंडर हमारे पास आया। तो पॉजिटिव को लेके कैसे निकालेंगे ये तो आप जानते हैं, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे निगेटिव संख्या से। अब जैसे मान लीजिए अगर हम निगेटिव को लेके चलते हैं तो ये है -1 और रिमाइंडर निकालने के लिए डिनोमिनेटर से इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 -1 और ये आ जाएगा 2। अब बताइए कि क्या ये जो 2 है ये हमारा सही आंसर है। तो देखिए ये जो 2 हमारा रिमाइंडर आया है ये किसका रिमाइंडर आया है, यहाँ पर 5/3 दिया हुआ है, 5/3 इसका रिमाइंडर आया है 2। हमें निकालना है किसका, 20/12 का। तो हमने क्या बताया था, जिस संख्या से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जिस संख्या से काटेंगे उसी संख्या का जो है हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका आंसर हमारा आएगा, हमने काटा है 4 से सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर 4 से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी जो जिस संख्या से हम लोगों ने काटा है वो या 4 × और ये रिमाइंडर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 2 = 8। अब ये आंसर हमारा सही होगा। अब देखिए क्या ये जो हमारा 8 आया है ये सही है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला है बिल्कुल सिंपल तरीके से कि 20/12 का रिमाइंडर हम लोगों ने इस तरीके से निकाला, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर आंसर जो है 8 आया। और इस तरीके से सिंप्लीफाई करके अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 8 आता है, यानी कि ये हमारा जो आंसर आया है ये बिल्कुल सही आंसर आया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा जिसमें आपको डाउट है, लेकिन फिर भी अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है या फिर पिछली क्लास में कोई डाउट है या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसमें कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कीजिए लाइक और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।